अनुराग जी, आपने गूगल चेक तो कर लिया होगा, इंडिया गठबंधन का फुल फॉर्म देख लिया होगा। अब मैं वो सवाल नहीं पूछूंगी, पूछूंगी आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, बता दीजिए, आजकल तो इसी पर एग्जाम है। अच्छा, आरएनए क्या होता है? मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि आजकल, सुन तो ली, मेरी बात सुन लीजिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं फिर आप सुन बता पूछेगा। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है, पहले ये चीज तय कर लिया कीजिए कि आज जब डिबेट में आएंगे तो सबके फुल फॉर्म पूछे जाएंगे और हम कोई डिबेट में सार्थक चर्चा नहीं करेंगे। जी पूछ रहे हैं तो ठीक है, अपने आप से डीएनए का इतिहास आउट ऑफ कोर्स हो गया। अखिलेश जी डीएनए पूछ लें तो सब सही, सुधांशु जी मैंने पूछ लिया तो बस संविधान के खिलाफ हो गया, यही है संविधान का यहाँ पर पूरा खेल। आप चूंकि आप डिबेट को सुन तो लीजिए, मुझे बोलने दीजिए, बोलिए, मुझे बोलने दीजिए। देखिए आरएनए का फुल फॉर्म आप सुधांशु जी को बोलने देती पूरी देर तक, हम लोग बोलना शुरू होते तो आप अपना ज्ञान देने लगते, तो हमारा भी ज्ञान सुन लीजिए। आप आरएनए तो बता दीजिए, क्योंकि मैं आप हमें हटाना चाहते। सुधांशु जी ने सैफई की बात की, नहीं नहीं देखिए सैफई की बात की, एयर स्ट्रिप की, सुधांशु जी सैफई एयर स्ट्रिप की बात की आपने, तो मैं आपसे कहता हूं एयर स्ट्रिप बनाइए। आरएनए का फुल फॉर्म नहीं आता ना, एयरपोर्ट में कन्वर्ट करने आरएनए का फुल फॉर्म नहीं आता ना। आप मुझे बोलने दी, मैं आपसे हाँ निवेदन कर रहा हूँ, आप डिबेट को ड्रिलेल मत कीजिए, डिबेट को ड्रिलेल मत कीजिए, मैं अपने मुद्दे से नहीं हटूंगा, आप मुझे इधर उधर मत ले जाइए। मैं कह रहा हूँ सुधांशु जी ने बोला कि सैफई में आपने एयर स्ट्रिप बनाई, मैंने बनाई, आप उसको एयरपोर्ट में कन्वर्ट कर देते तो वहां पे इटावा, एटा, मैनपुरी, कासगंज, भिंड, मुरैना, एटा, सभी जगह फिरोजाबाद, सभी लोगों के जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं आते जाते हैं लोग, उनको सुविधा मिल जाती। लेकिन आपके पेट में दर्द इस बात का है कि गांव के लोगों के बीच में हम एयरपोर्ट कैसे बना देंगे, वो कैसे डेवलप हो जाएंगे, कैसे उन्हें ये सुविधाएं मिल जाएंगी। अगर ये सुविधाएं मिल जाएंगी तो वहां पे ये समाजवादी पार्टी को उसका क्रेडिट मिल जाएगा, कमाल की बात है। वहां पे अगर हॉस्पिटल, हमने पीजीआई हॉस्पिटल बनाया है, तो आप तो गर्व से कहना चाहिए था ना कि गांव के अंदर में उन्होंने इतना बड़ा पीजीआई हॉस्पिटल बनाया है सैफई के अंदर में, कि वहां पे कम से कम 10 डिस्ट्रिक्ट के लोग, 200 किलोमीटर के लोग जो बीमार होते थे, परेशान होते थे, जो लखनऊ नहीं पहुंच पाते थे, जो दिल्ली नहीं पहुंच पाते थे, जो मैंने डिस्ट्रिक्ट का नाम बताया एटा, कासगंज, मैनपुरी, ये सब छोटे डिस्ट्रिक्ट, इटावा, यहां के जो लोग नहीं पहुंच पाते थे, उनके उनके बेचारों की जिंदगी बच रही है। आप जाके देखिए वहां पे कितने गरीब लोग आते, क्या जिंदगी बचती है, तो आप किसकी तारीफ करनी चाहिए। अनुराग जी बहुत कुछ काम अखिलेश जी के समय में हुआ है। एयरपोर्ट अगर योगी जी ने बनाए हैं तो बहुत से एक्सप्रेसवे अखिलेश जी ने भी बनाए हैं, तो आप डिफेंसिव मत खेलिए, लेकिन सुधांशु जी जवाब दीजिए। हमने तो मैं इनसे पूछ रहा, नहीं जवाब बताएं क्यों नहीं उसको एयरपोर्ट में कन्वर्ट करते। आप तो क्लीन बोल्ड हो गए, मैंने कहा कि एक्सप्रेसवे आपने बनाए हैं तो आप इतना सकते में क्यों आ गए? एयर स्ट्रिप पे फिसल गए सर। देखिए इनका एयर स्ट्रिप पे इनका जहाज फिसल गया और रनवे बाहर चला गया। मैं कहना चाहता हूँ आपकी तो सरकार रही, जब मुलायम सिंह जी ने एयर स्ट्रिप बनवाई थी तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उनके समर्थन से बनवाया था। दिखाइए एक प्रस्ताव जो आप जाके मुलायम सिंह जी मिले हो प्रधानमंत्री को कि वहां पे एयरपोर्ट बनना चाहिए, दिखाइए न्यूज कटिंग। तो आज अरे मैं तो कह रहा हूं ना, आपको एयर स्ट्रिप ही बनानी थी, आपको बनाने में ताकि गांव वालों को जलवा दिखाना पड़े, कौन इतने ऊपर है, गांव वालों की सुविधा के लिए नहीं अपने लिए। देखिए गलत बात है भदौरिया जी आप बोलते हैं कोई डिस्टर्ब नहीं करता, दूसरों में नहीं बोलना चाहिए, अपने समय का इंतजार करना चाहिए। और मैं भदौरिया जी को, मैं दर्शकों के लिए बता दूं, नाविका जी आरएनए और डीएनए के बारे में बोल तो दिया अखिलेश जी ने, कम से कम अपने लोगों को बता भेजना चाहिए था। आरएनए को रिबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं और डी ऑक्सो रिबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, वो तो अलग बात है। डीएनए आरएनए में अंतर क्या होता है सुनिए, एक मजेदार अंतर है। 5 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, एडनीन, ग्वानीन, साइटोसिन, थाइमीन, ये चारों आरएनए में पाए जाते हैं और एक यूरेसिल होता है पांचवा जो डीएनए में पाया जाता है। ये यू वाला जो यूरेसिल है ना, ये जो माप सर मुंडी घुमा रहे हैं ना, ये यू वाला यूरेसिल तो अगर देखना हो, यू टर्न लेना, तो ये तो समाजवादी पार्टी में जवाब नहीं है। क्या गजब है जिनके पिताजी को कांग्रेस ने जेल में डाला था, किताब पढ़ के आए, उनके बेटे जी ने आकर उनके पूरे दामने रहमत पे जाके चले गए, गजब है साहब। कांग्रेस के विरुद्ध जो खड़े हुए आज कांग्रेस के साथ चले गए, एक पॉलिटिकल पार्टी बताएं जिसके साथ उन्होंने समझौता ना किया हो और उसके साथ धोखा ना दिया हो। बिल्कुल, दर्शक भी पूछ रहे हैं, आज पब्लिक के सवाल बहुत आ रहे हैं। संजय मिश्रा भदोही उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं, एक समय था जब यूपी में जेल में बंद माफियाओं को मछली खिलाने के लिए तालाब खुदवाया जाता था,
क्या अखिलेश यादव वही दौर दोबारा लाना चाहते हैं? पीयूष आहया का राजकोट गुजरात से सवाल है, अगर अखिलेश यादव गोरखपुर जहां गोरखनाथ मंदिर है वहां बुलडोजर चलवाना चाहते हैं तो उनमें और औरंगजेब में क्या फर्क रह जाएगा? पीयूष करमलेकर का बिलासपुर से सवाल है, अखिलेश जी अपनी सरकार आने पर बुलडोजर को गोरखपुर की ओर मोड़ना चाहते हैं, वहां गोरखपीठ मंदिर है तो क्या अखिलेश यादव हिंदुओं को चेतावनी दे रहे हैं? ये सवाल बहुत बहुत ही वाजिब सवाल है हर्षवर्धन त्रिपाठी, दर्शक अगर ये पूछ रहे हैं तो क्या अखिलेश जी को सोचना पड़ेगा? नहीं, निश्चित तौर पर सोचना चाहिए, क्योंकि अगर दर्शकों को याद है तो ये बड़ा अच्छा है कि वो स्मृति लोक के शिकार नहीं है, वो सब जानते हैं कि मुख्तार अंसारी के रहते गाजीपुर की जेल में क्या क्या होता था, तो ये लोगों के ध्यान में है। लेकिन मैं एक बात कह दूं, देखिए अनुराग भाई को एक बात थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए, आप दो तरह के आरोप नहीं लगा सकते। ये सच है कि अखिलेश यादव ने कई बड़े अच्छे काम किए थे, जो आगरा से लखनऊ का एक्सप्रेस वे है वो अखिलेश यादव ने बनवाया, लेकिन करीब 30% काम बचा रह गया था, योगी आदित्यनाथ ने उसे रोका नहीं कि अखिलेश यादव का बनाया है, उसको दुगुनी ताकत से तेजी में पूरा किया। आपने मेट्रो का छोटी सी फेज का लखनऊ में ट्रायल रन कर पाए थे, योगी आदित्यनाथ ने उसको तेजी में शुरू किया। मैं ये कह रहा हूँ डेवलपमेंट के काम में एक सरकार से सरकार में आगे जाए कोई काम अखिलेश यादव ने किया हो या मायावती ने किया उसको रोक दिया जाए, ये गलत है। अगर योगी आदित्यनाथ उसके आगे जा रहे हैं और 3 नए एक्सप्रेसवे बना दे रहे हैं, बुंदेलखंड बन गया, पूर्वांचल बन गया और गंगा एक्सप्रेसवे भी बन रहा है, तो उसको भी जरा सोचना चाहिए, उसकी भी बात करनी चाहिए, कम से कम इस मसले पर तो सही बोल दीजिए। धीरज अग्रवाल का मेरठ से सवाल है, अनुराग भदौरिया जी से पूछना चाहता हूं कि अखिलेश जी कह रहे हैं कि योगी जी दिल्ली चले जाएं, दूसरी पार्टी बना ले, तो क्या वो इंतजार कर रहे हैं कि यूपी से बाबा जाएं और अखिलेश चुन चुन कर अपना राजनीतिक बुलडोजर चला सके? क्या योगी जी से डर लगता है? सवाल जनता पूछ रही है आपसे अनुराग जी। देखिए देखिए सुधांशु जी तो अपना झूठ बोल के निकल लिए, उनसे हमने पूछा एयरपोर्ट क्यों नहीं बनाए तो आए बाएं साएं बोल के निकल के भाग गए। एक बीजेपी के सपोर्टेड प्रवक्ता हैं, वो झूठ बोलना शुरू कर दिया, उन्होंने बोला कि एक्सप्रेस वे जो छूट गया था आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे ये योगी जी के टाइम में शुरू हुआ। ये दोनों लोग मिलकर जो कुछ बोल रहे हैं ना, बस ये झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने बस यही सच। उन्होंने नहीं कहा झूठ बोल रहे योगी जी ने शुरू किया, उन्होंने कहा लास्ट का 30% योगी जी ने तेजी से बनाया। लेकिन सवाल जनता का आपसे है, सवाल जो जनता पूछ रही है वो क्यों नहीं जवाब दे एक मिनट में एक बात नाविका जी, नाविका जी कह रहा हूं कि बीजेपी के प्रवक्ता ये झूठ क्या, कौन बोल रहा है? दूध का दूध पानी का पानी होता है, यही सच है। भदौरिया जी सुनिए, खाली की खाली ये बताइए, दिल्ली से लखनऊ के बीच का जो एक्सप्रेसवे है चालू हो गया था, लोग चलने लगे, एक मिनट हमने पूर्वांचल, अरे भाई सुनो मैं भी जवाब दे रहा हूँ उसकी लैंड, भदौरिया जी आपने टेंडर कैंसिल करके दूसरे को टेंडर दे दिया, अरे लैंड सुधांशु जी बोले पूर्वांचल एक मिनट आप क्वालिटी पूर्वांचल, नाविका जी अभी मैं जवाब बस एक लाइन, भदौरिया जी अभी मैं आपसे पूछता हूँ, दिल्ली से लखनऊ के बीच का जो एक्सप्रेसवे है वो नेशनल हाईवे है कि स्टेट हाईवे है? उसका नाम है नेशनल हाईवे नंबर 24। मत पूछिए, नेशनल हाईवे सेक्टर गवर्नमेंट बनवाती है स्टेट गवर्नमेंट? नहीं नहीं एक मिनट रुकिए, पूछने की आदत छोड़िए ना, पूछने की आदत छोड़िए, सरकार में जवाब देने की आदत छोड़िए। सेंट्रल गवर्नमेंट काम की थी तो नेशनल हाईवे बनवा दिए और कहते हैं हवाई अड्डा तो हम नहीं बनवा पाए, लखनऊ आगरा भाई साहब वो नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट कैसे क्रेडिट ले सकती है सारा का सारा उसने बनवाया? बताओ भाई, सारे दर्शक जाके चेक करें, वो नेशनल हाईवे 24 है। अनुराग भदौरिया जी इतने उत्तेजित हो जाएंगे तो 2027 तक सांस फूल जाएगी, सांस फूल जाएगी, पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएगा, रुक जाइए, थाम बा रुक जाइए, रेड लाइट है, ट्रैफिक सिग्नल्स का थोड़ा सा करिए, रेड लाइट है। जनता सवाल पूछ रही है, अर्चना श्रीवास्तव का आंध्र प्रदेश से सवाल है, भदौरिया जी अखिलेश जी को सुल्तान बता रहे हैं, अगर अखिलेश जी यूपी की जनता के सुल्तान है तो जनता के सीएम पद उनसे छीन कर योगी जी को सत्ता में क्यों बिठा रखा है?